बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? द मैथ्स रोशन चैनल में आपको खुशामदीद। आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 का ये हमारा फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 पर मुश्तमिल है। तो अब ये देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है x² + 2y² = 3, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि x² + 4xy - 5y². तो क्या करते हैं कि हम यहां पर इस इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के फैक्टर बनाएंगे और उसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी जो कि दूसरे वेरिएबल पर मुश्तमिल होगी, तो उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो वहां पे जो जिस वेरिएबल की वैल्यू आएगी तो वो दोबारा हम पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्या लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब ये क्या है हमारे पास x² + 4xy - 5y² = 0। अब माइनस फाइव के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उनको ऐड करें तो प्लस फोर है और मल्टीप्लाई करें तो माइनस फाइव है। जैसे फाइव के ऐसे फैक्टर बनाएंगे प्लस फाइव और माइनस वन, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा और ऐड करेंगे तो प्लस फोर आएगा। तो ये हमारे बन जाएगा x² + 5xy - x y - 5y² = 0। तो x कॉमन निकालेंगे तो x + 5y, और इधर y कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा x + 5y = 0। अब ये दोनों फैक्टर जो है ये कॉमन है, तो x + 5y और x - y = 0। तो which implies that, तो x + 5y = 0 and x - y = 0। अब स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे, x = -5y। देखिए अब x की वैल्यू जो है y में आएगी, ठीक है? तो इसलिए इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का, और x = y इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम 4 का। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेते हैं केस फर्स्ट। उसकी वजह यह है, यहां पे हम जरा थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट जब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके तो हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसलिए हम तरतीब हम अपनी कैम रखेंगे ताकि हमें किसी किस्म की आगे कोई डिफिकल्टी ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि पुट x = -5y इन इक्वेशन। अब जो इजी वैल्यू हो आपने किस में पुट कर लिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, क्योंकि ये इजी हमारे पास इक्वेशन है इन इक्वेशन 1। तो अब x की वैल्यू यहां पे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, x² + 2y² = 3। तो x की वैल्यू -5y है, तो ये 5y² + 2y² = 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 25y² + 2y² = 3। नाउ ये बन जाएगा हमारे पास 27y² = 3। नाउ y² = 3/27, which implies that 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो ये y² = 1/9, which implies that, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, ±1/3। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये y की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे के पुट y = ±1/3 इन इक्वेशन 3। ये देखिए ये वाला भी यही केस हमारा चल रहा है। तो x = -5y, तो
अब ये पुट करेंगे x is equal to minus 5y, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू पुट करेंगे तो x is equal to minus ये प्लस माइनस 1/3। अब देखिए जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही साइन आएंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5, ठीक है, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 5/3। तो ऑर्डर पेयर इसका क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा प्लस माइनस 5/3 और उसके बाद प्लस माइनस 1/3, ठीक है। तो एक आपका ऑर्डर पेयर स्टूडेंट वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट केस सेकंड, यहां पे हम क्या लिखेंगे, केस सेकंड। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 भी लिख दें क्योंकि आसानी रहती है। तो x की वैल्यू क्योंकि y है तो ये y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अब ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, नाउ 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3, तो ये 1, तो व्हिच इंप्लाइज दैट, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नाउ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब इसका आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, इसका सॉल्यूशन सेट आया। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास, जी हम क्या करेंगे, जी हमारे पास ये तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू जो है वो हमारी रहती है, कि ये y की वैल्यू आई है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 4 में तो वही है, तो x is equal to y है तो x is equal to plus minus 1, तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारा एक तो ये होगा प्लस माइनस 5/3 और प्लस माइनस 1/3, एक तो हमारे पास ऑर्डर पेयर ये और कॉमा और उसके बाद प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 4 एक्सरसाइज 2.7, सेम कंडीशन, हम इक्वेशन 2 में उसी तरीके से जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो उसी तरीके से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू वो हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये देखें कि माइनस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36 क्या आएगा, माइनस 36। अब माइनस 36 के ऐसे फैक्टर बनाए कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 36 है, और अगर हम उनको ऐड करें तो माइनस 5 है। तो इसका मतलब यह है कि 4 9 36, तो 9 और 4 हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे। तो अब क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है तो ग्रेटर वैल्यू जो होगी उसके साथ माइनस का साइन लगेगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट यही एक चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या बने, माइनस 9 और प्लस 4, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दो पेयर बन गए, तो 3x कॉमन निकालूंगा तो 3x इज इक्वल टू x माइनस 3y, x माइनस 3y। अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, 4y कॉमन निकालेंगे, तो प्लस 4y प्लस 4y कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3y और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो सेम कंडीशन स्टूडेंट के विच इंप्लाइड दैट,
दोनों फैक्टर जीरो के बराबर है तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो. नाउ x इज इक्वल टू थ्री वाई एंड थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर वाई. नाउ x इज इक्वल टू माइनस फोर ओवर थ्री वाई. तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी थर्ड, इक्वेशन थ्री, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास फोर. अब सेम उसी तरीके से के स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर टेन किया था कि अब देखिए हमारे पास x, ये जो हमारे पास वैल्यू है x इन y, इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है x इन y, तो y में हमारे पास इक्वेशन है यहां पे भी. तो क्या करेंगे जब हम जहन है कि x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो फिर y की वैल्यू हमने क्या करना है इस इक्वेशन में हमने पुट करना है. तो उसी तरीके से क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, पहले एक ही इक्वेशन को लें, एक ही वेरिएबल को लें, उसके बाद दूसरे वेरिएबल की आप वैल्यू निकालें, फिर दोबारा उसमें पुट करें. तो इस तरह तरतीब भी टाइम रहती है. तो क्या लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू थ्री वाई इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करें, और इक्वेशन वन हमारे पास क्या है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, 3x square minus y square plus 26. तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y square, 3y. तो ये 3 into 3y square minus y square is equal to 26. अच्छा स्टूडेंट, यहां एक चीज ध्यान में रख लें, वो ये देखिए मैं यहां पे आपको समझा देता हूं 3y square. अब यहां पे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं. हम जब बच्चों के टेस्ट चेक करते हैं या बोर्ड के कभी पेपर चेक करते हैं, इसमें कभी आ जाता है, ठीक है, तो उसमें जो स्टूडेंट आमतौर पर करते हैं ये पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 9, फिर 9 वाई का स्क्वायर ले लेते हैं, तो या तो 9 वाई स्क्वायर लिख लेते हैं या 81 वाई स्क्वायर लिख लेते हैं. ऐसा नहीं है, उसकी वजह यह है कि पहले आपने क्या करना है स्केयर ओपन करना है. पहले आप स्केयर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 9 वाई स्क्वायर, तो फिर उसके बाद आपने इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो इसी तरीके से आप देखें 3 इंटू 9 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26. जी अब एक 3 9 का 27, तो ये बन जाएगा 27 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26. तो ये अब हमारे पास क्या बना 26 y स्क्वायर इज इक्वल टू 26. देखें बिल्कुल क्वेश्चन अपने सिंप्लीफिकेशन की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 ओवर 26. अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि आप यहां से ये 26 और ये 26 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर ये भी स्टेप अगर कर लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है. तो y square is equal to 1, तो which implies that y is equal to plus minus 1. तो अब ये जो वैल्यू है आपकी y की, तो आपने किससे पुट करना है, तो तरतीब वही चल रही है, तो आपने इस इक्वेशन में इक्वेशन थर्ड में पुट करना है. तो यहां पे क्या लिखेंगे पुट इन इक्वेशन थ्री, पुट इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में पुट करना है, तो वो क्या है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, तो थ्री इंटू प्लस माइनस वन, तो ये बनेगा प्लस माइनस थ्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस थ्री. तो इस तरह इसका ऑर्डर पेयर बनेगा प्लस माइनस थ्री एंड प्लस माइनस वन, तो एक ऑर्डर पेयर हमारा सॉल्व हो गया. तो अब उसके बाद अब हमारे पास केस सेकंड, केस सेकंड, ठीक है, अब केस सेकंड क्या है हमारे पास माइनस फोर ओवर थ्री वाई, ठीक है, तो क्या लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस फोर ओवर थ्री वाई इन इक्वेशन वन एज यूजुअल, क्योंकि दोनों वैल्यूज इसको भी हमने इक्वेशन
वन में ही पुट करना है। तो इक्वेशन वन हमारे पास 3 into -4/3y होल स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 3 into अच्छा यहां पे एक और मिस्टेक भी होती है, वो ये मिस्टेक होती है कि बच्चे 3 को 3 से कैंसिल कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले जो ऑपरेशन, पहले जो हमारे पास होता है जो स्टेप होता है स्क्वायर का है, प्लस का है, मल्टीप्लिकेशन का, पहले वो हम ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं, उसके बाद फिर जाके इसको सिंपलीफाई करते हैं। खास तौर पर मल्टीप्लिकेशन में तो ये 16/9y²-y² = 26 ठीक हो गया। अब इसको आप सिंपलीफाई करें, 3 × 3 = 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16/3y²-y² = 26। अब क्या करेंगे, 3 एलसीएम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा 16y²-3y² और उसके बाद यानी कि अब यूं भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 3, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 3 वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3 × 6 = 18 78, तो ये क्या बन जाएगा 78। तो इधर आप इसको ये करें तो 13y² = 78, तो y² = 78/13, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, तो y² = 6, which implies that y = ±6, ये √6 ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है अब आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में आपने पुट करनी है तो कैसे, अब ये x हमारे पास है x = −4/3y, तो x = −4/3 ± √6 ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहां पे इसको सिंपलीफाई करें तो ये बनेगा −4 ± √6/3। अब इसकी मजीद सिंपलीफिकेशन भी होती है तो, मगर चूंकि उससे हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ट आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास अब ये x की वैल्यू है और y की हमारे पास क्या है, तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा ±4√6/3 और उसके बाद ±√6, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा और एक ऑर्डर पेयर हमारा ये बना। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट हम यहां पे लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा एक तो हमारे पास ये है ±3 और ±1 और उसके बाद दूसरा हमारे पास है ±4√6/3 और ±√6, तो ये हमारा टाइप 4 का। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर टाइप 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, स्टूडेंट खुश रहें, मेहनत करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद अपने कमेंट्स से भी नवाजें। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।